तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहाँ पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहाँ नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा में पिछले एक महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप? उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और ये यही गुजरात मॉडल था। सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था, क्या सच नहीं थी ये बात? ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज। आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम फिर डिबेट वीडियो लेकर आए हैं। आज का डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। वीडियो में अंत तक बने रहे, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। संघ पर जो आपका सवाल है उसका जवाब लेंगे। पहले आलोक जी एक बार बोल रहे हो, आलोक जी का कनेक्शन कट गया था, एक बार आलोक जी जवाब देते, फिर आते हैं संघ। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है, ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा, इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार, ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जांपल गिरवाए, बनारस का एक एग्जांपल गिरवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। यह हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा में पिछले एक महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है। उस पर बात नहीं करेंगे आप, उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और ये यही गुजरात मॉडल था। सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था, क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज। आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा, वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने तो। उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। तमाम मुद्दे मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है, उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, जिनका आप साथ दे रहे थे, जिनके साथ आप सरकार बनाकर चला रहे थे, वो मुस्लिम लीग नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा।
हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया को का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल दिखता है लेकिन उसके पड़ोस में मणिपुर नजर नहीं आता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।